तो वो जो एरर था वो भी चला गया, आप देख सकते हैं ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल, ये एल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट ध्यान दो इधर थोड़ा जूम करो, ये मेरा बैक टर्म का है, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज का है, तो ये दो पॉइंट पे हम देखेंगे L10 और L11 से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी पावर आईसी उतारते हैं, ठीक है यहां से आइए थोड़ा, ये देखिए यहां से 1.7 गया, यहां से ये 1.7, फिर एक रजिस्टर के हाई वैल्यू रजिस्टर से होते हुए इस पैड पे, जो कि इस पैड से थर्म की कंट्रोल लाइन गई, और अगर मैंने रजिस्टर निकाला तो दोनों ओर जीआर चाहिए, क्यों, एक जीआर किसका देखो 8909, अगर आपको डाटा शीट चाहिए इसकी तो एक ग्रुप क्रिएट करूंगा मैं, जो भी नए हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, सो वो ग्रुप में मैं इनकी डाटा शीट डाल दूंगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाँ माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में क्या सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, और प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमने जितने भी सारे वीडियो बना रहे हैं बहुत अपग्रेड लेवल पे बना रहे हैं, मतलब आईसी निकाल के अंदर की ट्रिकें और ट्रकें बताना, सो जो नॉर्मल लोग हैं जो अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं उनके बहुत मैसेज आ रहे हैं MD सर को भी, हमको भी, और हमारे बाकी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को, कि सर हमारे को जो नॉर्मल वर्क है उस पर भी थोड़ा काम बताइए। अब देखिए ये चैनल तो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा तो नहीं है कि ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि सर मेरे को इसका फॉल्ट बता दो उसका, मैं हर तरह के फॉल्ट को एक्सप्लेन करना हमें आना भी चाहिए और सबके लिए हमारे को बताना भी है। सो इस बार हमने रेडी किया है जियो के कुछ सेक्शंस, और जियो के आपको भी पता है कि स्कीमेटिक नहीं होते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं और यहाँ पर, और जिसमें से एक फ़ोन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आज जो फॉल्ट है आप देखिए यहाँ पर, ये है ना, आपको टेम्परेचर का एरर, आपको देखिए टेम्परेचर का एरर मिलेगा। सो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ भी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रैक्टिकली, ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकली होने वाला है, बट फिर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेन क्लास हो सकती है, ऐसी क्लास आपको आपके सस्ते वाले इंस्टीट्यूट में तो नहीं मिलने वाली, जहाँ सस्ता भी और अच्छा भी, या मैं बात करूँ 10,000 15,000 या 20,000 लेवल वाले इंस्टीट्यूट में, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा। तो आपको भी पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम आने के बाद आपको क्या नहीं मिल सकता है और कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप एसर टेलीकॉम ना आकर। ये वीडियो अब से कुछ हमारी सीरीज जो चल रही है वो जियो पे चल रही है, जियो के बहुत सारे हैंडसेट हैं, जैसे नेटवर्क रनिंग का फॉल्ट है, माइक का है, जैसे जे आपका जियो का 320 उसमें माइक का फॉल्ट आता है कि क्यों माइक को दूसरा नहीं लगा सकते, या क्यों माइक पर लगाने के बाद फोन हैंग ऑफ लोगों पे चला जाता है, और क्योंकि इसका स्कीमेटिक नहीं होता है, तो हमने आपको देखो यहाँ पे ना पूरी आईसी ड्रॉ की हुई है, और इस आईसी को हम पूरा विदाउट स्कीमेटिक्स, ये चीज हम इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। खैर लोगों को विश्वास नहीं होता है इतना डेली लाइव क्लास देखने के बाद, लोगों को विश्वास नहीं होता है 12 घंटे पढ़ाने के बाद, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एक महीने में सबसे ज्यादा दिन क्लास देना, सबसे ज्यादा कंटेंट देना, सबसे ज्यादा टीचर्स, बेस्ट कंटेंट के साथ में, उसके बाद भी लोगों को 2 घंटे वाली क्लासेस जाना है, उसके बाद भी लोगों को कम पैसे में काम करना है, उसके बाद भी लोगों को उसे पावर ऐसी रिवॉल्व करके आ जानी है, या फिर नॉर्मल या गलत सलत ज्ञान लेकर आ जाना है, या सिर्फ स्कीमेटिक बैठ के सीख रहे पार पार छः छः दिन आईसीओ पे कोई काम नहीं, तो 90% इंस्टीट्यूट में यही हो रहा है। खैर यहाँ हम ना किसी की बुराई कर रहे ना अच्छा है, बट हम ये बता रहे हैं कि एसर टेलीकॉम ना आ गया, आप जो गलती करोगे ना वो जीवन भर पछताओगे। दोस्तों ये जो चैनल वीडियो देख रहे हो ये एसर टेलीकॉम में देख रहे हो ऑफिशियल चैनल, मेरा एक और चैनल है देवतन अग्रवाल एसर टेलीकॉम, आप वहां पर जाके भी वीडियो देख सकते हैं, पर्टिकुलर हर दिन उसमें वीडियो अपडेट होते हैं, जहां पर बहुत सारे रिपेयरिंग के वीडियो एंड्रॉइड और आईफोन के आते रहते हैं। सो ये वीडियो जो सीरीज हमने चलाई है ये हमने चलाई है एसर टेलीकॉम के मेन चैनल पे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं आप चाहें तो आप कम दाम में ये बुक को परचेस कर सकते हैं, पर इतना कम दाम नहीं रखा है कि हर कोई अहरा गहरा इस बुक को परचेस करे, जिसको नीड है, जिसको सीखना है और जिसको देवदान अग्रवाल एसर टेलीकॉम पर विश्वास है वो इसको बुक को परचेस कर सकता है, और इस बुक में उसको डाटा शीट के साथ बहुत कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या मैं बुक का कंटेंट बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे डिस्प्ले ना, जैसे ऑटो, जैसे
फोन ऑन होने का डिस्प्ले ना आना, बहुत सारे फॉल्ट, कैमरा की लाइनें और हर तरह की सप्लाइयां यहाँ पर बताई गई, हर आईसीओ के पिन आउट, उनकी सप्लाइयां हिंदी इंग्लिश में बताया गया है, विद कॉम्पिटेंट बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब तरह के टूल्स वूल्स जितना बताने की कोशिश की है। तो एक अपडेट किया है, इस बुक को परचेस कर सकते हो नीचे दिए लिंक पे, जहां आपको आईसी डाटा सीट, हार्डवेयर सर्किट, पावर बूट सुटकेस, मोबाइल कंपोनेंट और पीसीबी जीआर वोल्टेज, ये सब बताने की कोशिश की गई है। और ये पूरा टेस्टेड हमारा खुद की इस पर्सनल लैब में बैठ के हमने तैयार किया है। तो चलिए आइए बात करते हैं पहले कि जियो के टेम्परेचर। तो आज मैं आपको इसका सिर्फ खाली टेम्परेचर बना के नहीं बताऊंगा, मैं किसी भी गिले इंस्टीट्यूट वाले या किसी भी गिले दुकान वाले की तरह से एक रजिस्टर हटा के, एक जम्पर मार के, काला काला वाला जैसे लोग बोलते हैं ना, काला काला, आजकल तो लोग कैपेसिटर को भी काला काला बताते हैं, खैर ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज से, कि बेसिकली अगर क्या एक सर्किट बनता है, वो ऐसे कैसे काम करता है, किस लाइन पे क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, किस लाइन से वोल्टेज आती है, तो ये सारी चीज हम आईसी के अंदर बॉल पे भी बताएंगे और कुछ आईसी को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरे यकीन है ये वीडियो केवल जियो वालों के लिए है, जो जियो के फोन बनाते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, और अगर भैया आप लोग बहुत अपग्रेड हो आईसी लेवल पे हो और ये सब काम करते हैं, तो ये वीडियो मत देखिए, आप लोगों की कोई काम का नहीं है, क्योंकि भाई हम तो सबके हैं, हमें हर एक चीज को ध्यान पे रखना है। और ये जियो सीरीज मुझे चलानी है, काफी टाइम हो गया है। ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो लर्निंग के पर्पस पे है, रिपेयरिंग के पर्पस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई इस फोन को बनाने के लिए ना, टेम्परेचर वाले फोन को बनाने के लिए ना दोस्तों सिर्फ 2 मिनट चाहिए, और अगर मैं आपके सामने 2 मिनट पे वीडियो एक कोई कॉम्पोनेंट लगा दूं या जम्पर मार दूं या आईसी के भी रिबोल कर दूं या चेंज कर दूं, तो भी आप सीखोगे नहीं। सीखना कॉम्पोनेंट लगाना, निकालना या जम्पर मारना से नहीं होता है, सीखना सर्किट को समझकर होता है। अगर हम एक बार सर्किट को समझ गए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इसमें फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, आपको ट्रेसिंग इजी हो जाती है। जैसे मुझे सपोज एक बिल्डिंग के फ्लैट में जाना है, ठीक है, जब तक नहीं पता होगा कि कौन से रूम पे जाना है, तो आप लिफ्ट में आकर कौन सा बटन दबाओगे आपको खुद नहीं पता होगा। सो ये होगा कि आप ऊपर चढ़ोगे, नीचे उतरोगे, ऊपर चढ़ोगे, तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए आप बिल्डिंग में जाओगे नहीं। वैसे ही ट्रेसिंग है, लोग ट्रेसिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किधर किधर ढूंढना है, किसको ढूंढना है, सप्लाई क्या है। तो वो सप्लाई मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूं, और एक एज रिगार्ड एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक फोन को देखेंगे, बनाएंगे। बट मैं मेन क्या करना चाहता हूं, एक ओके फोन की पूरी सप्लाई, मैं ये आईसी पूरी उतार कर पूरी लाइन वाइन आपको ट्रेस करके कंटिन्यूटी के साथ आईसी के अंदर बताना चाहता हूं, और वही चीज यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो 8909 अगर आपको डाटा सीट चाहिए इसकी, तो एक ग्रुप क्रिएट करूंगा मैं, जो भी नए हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, सो वो ग्रुप में मैं इनकी डाटा सीट डाल दूंगा, तो आप चाहें तो ग्रुप में आ सकते हैं। तो ग्रुप को क्रिएट करने के लिए मैं नीचे एक नंबर दूंगा, तो आप उस ग्रुप को आइए और ज्वाइन कीजिए। और ये मेरे स्टूडेंट नहीं, आप अगर मेरे स्टूडेंट है तो ऑलरेडी वो तो ये सारी चीज जानते हैं, पर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप एमडी सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगी। बट अगर आप नए हैं और आप अगर बेसिक सीखना चाह रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ग्रुप को आज ज्वाइन करना। तो एक नंबर मैं डालूंगा नीचे, वो हमारे एसआई टेलीकॉम का ग्रुप है जिसको एडमिन हमारे एमडी सर कर रहे हैं। सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना, उस ग्रुप में आपको हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, सो आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। सो मैं पहले बोल रहा हूं, इसका डाटा सीट अगर आपको चाहिए आईसी का, तो ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे कोई लिंक विंक नहीं है, ग्रुप का नाम नंबर है, मोबाइल नंबर है, चलाइएगी फिर उनको जाना है, नहीं जाना है फिर चलो। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो नीचे नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, और उसमें लिंक होगी, आप उसको जुड़ के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको डाटा सीट बनाऊंगा, और आप बेसिक सवाल मुझसे कर सकते हैं। सो उस ग्रुप में आपको बेसिक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और आपको लगेगा तो आप बाद में भविष्य में इसे टेलीकॉम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए एरर, इस तरह के कुछ एरर मिलेंगे, जैसे इसमें दोस्तों 3 एरर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला बैटरी टेम्परेचर, दूसरा इसमें BSI का फॉल्ट आता है, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, या जिसको हम बैटरी आई या बैट आईडी, बैटरी इंडिकेशन या इंडिकेटर भी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। सो ये जो होता है, जिसके अंदर इसका 50% बैटरी आना, या इसमें फेक चार्जिंग आ जाना,
या बैटरी का सिंबल नहीं बताना कि आप चार्ज लगा रहे हो तो बैटरी का सिंबल नहीं दिखा रहा है कि वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा बैट जो टेम्परेचर है, जो बैटरी टेम्परेचर है, जो थर्मिस्टर है, वो थर्मिस्टर की वजह से भी आता है। और इसके अलावा जो बैटरी का टेम्परेचर एरर है वो सिर्फ बैट टेम्परेचर से नहीं, थर्मिस्टर की वजह से आता है। सो मैं आपके जियो के पूरे थर्मिस्टर कहाँ कहाँ किधर लगे हैं इस पर अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर एक वीडियो बनाओ, मैं नेक्स्ट वीडियो के थर्मिस्टर पर बनाऊंगा कि कौन सा थर्मिस्टर कहाँ ढूंढना चाहिए और इस मॉडल के हिसाब से, ये F42 है, ये F22 है, और आप जो मॉडल बोलेंगे उस मॉडल के हिसाब से बनाऊंगा कौन सा थर्मिस्टर कहाँ ढूंढना चाहिए और वहां पे क्या GR वोल्टेज आना चाहिए। सो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अगर आपके पास ये आता है तो बना लोगे। क्या अगर हमारे एक वीडियो से आपका सेट बन जाता है और आपको नॉलेज मिलती है और एक वीडियो से बहुत सारे सेट बन जाते हैं तो सोचो आप कितना सीख रहे हो यार। ठीक चालू है, ठीक देखा मुझे चालू है कि नहीं, ये चालू। देखिये यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरा BSI या आप जैसे कि बोलते हैं बैक टेम्परेचर है। अगर मैंने एक सिरा यहाँ रखा हुआ है, अब इसके साथ मैं कंटिन्यूटी करूंगा और ये कंटिन्यूटी मैं आपको बहुत बेस्ट टेक्निक से सिखाऊंगा। सो देखिए ये 220 में एक पॉइंट यहाँ पे बीप बज रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर, फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर, और फिर अगर हम उसके बाद में बीप देखेंगे ये एक रजिस्टर पे है। सो थोड़ा सा रजिस्टर को मैं जूम करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं जिसको रेजिस्टेंस बुलाते हैं आप लोग, ये देखिए एक यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर बीप नहीं कर रहा है, ठीक है यहाँ पर बीप नहीं कर रहा है, यहाँ बीप कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और अगर हम देखें यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये लाइन ग्राउंड है, ये लाइन ग्राउंड है और यहाँ पे ये लाइन ग्राउंड नहीं है। तो फिलहाल अगर इतनी लाइन बनाओ तो देखिए एक आपको टीपी मिल गया जी, और ठीक है, और इसके साथ एक आपका रजिस्टर लगा है और ये आपका NC रजिस्टर है जो कि 100K का होना चाहिए, बट जो NC है नहीं लगा, और एक आपका यहां पर एक डायोड लगा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो एक आपका डायोड है जो TVS डायोड जिसको हम बोल सकते हैं जो, और ये डायोड के बारे में मैं आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डायोड क्या काम करता है, ये डायोड किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्मल डायोड लगा, तो एक आपका हम यहाँ पर एक डायोड, ये देखिए एक पैलर में यहाँ पर डायोड लगा होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि एक मैंने डायोड लगाया है, ये लगा है, ये डायोड भी यहाँ पे NC है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक पैड यहाँ पर, तो इस पैड की अगर मैं बात करूंगा, ये पैड ग्राउंड है, ये पैड में एक रजिस्टर लगा था जो कि NC है, और यहाँ पर एक TVS डायोड लगा था छोटा सा जो कि ये वाला पैड NC है और ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये से, और ये यहाँ पर ये इधर, सो इस तरह से ये पूरी लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर बना देते हैं, ये देखिए इतनी लाइन तो हमने इसकी बना ली बिना डायग्राम के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब वो रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं, देखिए। तो इसलिए सबसे पहले ऑन फोन या चार सही फोन पे एक बार रीडिंग या सही जानकारी हो जाए तो हर तरह की जानकारी पता चल जाती है। अब यहां पे दिखाइए, अब हम यहां पर ओम्स मोड पे किया हमने, अब देखो ऊपर दिखाइए, अब रजिस्टर के दोनों ओर लगाऊंगा, अब यहां पे वैल्यू दिखाइए, ये देखिए 1K की वैल्यू ऊपर दिखाइए, तो पहला 1K, और देखिए उसी के बाद ये रजिस्टर और जुड़ा हुआ है और जो यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है 10K का, ठीक है। तो देखिए अब इसकी डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से। तो यहां पर हम लिख देते हैं R1, R2, ये 1K, ये 10K। अब
हम इसमें समझते हैं सप्लाई, क्योंकि हमें इसके बाद तो अभी तो ट्रेसिंग में, अब इसके बाद देखेंगे तो कहीं पे बीप नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो इस आईसी पे गई है। आईसी के हिसाब से अगर आप आईसी के डाटा सीट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, सो आईसी में डाटा सीट के हिसाब से ये आईसी है, तो इधर आ जाइए। आईसी के ये है 8909, ये दो स्कैट पॉइंट है। यहाँ से ये A1 से लेकर A13 तक है और ये A से लेकर N तक है, जिसमें से ये L सीरीज में जुड़ा हुआ है, जिसमें ये L10 यहाँ पे दिखाइए, L10 ये आपकी जो लाइन है, ये आपकी लाइन है बैट थरम, ठीक है। L11 जो लाइन है ये है वोल्टेज रेफरेंस, और ये वोल्टेज रेफरेंस है थरम, और ये जो L12 है ये आपकी बैट आईडी, ये देखिए। सो क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां से इस लाइन से ये कनेक्टेड है, जहां इसको 1.8 वोल्टेज दिए जा रहे हैं। सो ध्यान देना, अगर मैं ये रजिस्टर हटाता हूं, सपोज इस लाइन को अगर मैं यहां बनाऊ, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, एक समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पर R2, यहां पर R1, तो ये लाइन यहां से कनेक्ट होगी, तो इसको वोल्टेज मिलना बंद हो जाएंगे। अगर ये लाइन डिसकनेक्ट हुई, या ये रजिस्टर जो दूसरा रजिस्टर है ये ओपन हुआ, या ये डैमेज हुआ, तो प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इसके प्रॉब्लम बताऊं तो आपको यहां पर टेम्परेचर का एरर आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर का एरर आ जाएगा अगर ये रजिस्टर हटा। क्यों? क्योंकि इसको वोल्टेज रेफरेंस थर्म, मतलब जो थर्म को एक पुलअप रजिस्टर से थ्रू एक वोल्टेज रेफरेंस दिया जा रहा है, मान के चलो एक पुलअप रजिस्टर है जिसको दिया जा रहा है एक वोल्टेज, और अगर ये रजिस्टर हटा तो ये इसको वोल्टेज नहीं देगा। अब आप बोलेंगे वोल्टेज किसको दे रहा है, तो ये देखिए, ये तो हो गया जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं वोल्टेज रेफरेंस। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है आपकी बैट थर्म। सो बेसिकली वो इस बैट थर्म को दे रहा है थ्रू रजिस्टर, पुलअप रजिस्टर के थ्रू। सो यहां पर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक पुलअप रजिस्टर है, जो कि 10K से आप 15K तक आप इसको लगा सकते हैं अगर ये निकल गया तो, ठीक है। ये भी बता दिया कि कौन सा लगा सकते हैं, कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है। अब बात करते हैं बैट थर्म, तो बैट थर्म की लाइन आपको यहां से आ रही है, ये देखिए, ये बैक टर्म की लाइन है बेसिकली, जो आपको यहां से निकल रही है और यहां पर जा रही है। अगर ये वाला, सपोज ये वाली लाइन, इस पर जो जीआर है और इस पर जीआर है, इस पर जो जीआर है वो आपको आना चाहिए 300 से 900, और इस पर जो जीआर है इस लाइन पे वो आना चाहिए 300 से 900। तो दोस्तों अगर कभी भी कोई दिक्कत हो ये जानने के लिए कि यहाँ पर ये आईसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो आपको दो रजिस्टर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो पहला रजिस्टर है जो आपका कनेक्टर से जुड़ा हुआ है इस तरह का, और उसके बाद ये आईसी पे चला जाएगा, तो सबसे अच्छा तरीका है दूसरा रजिस्टर को निकाल दीजिए ये, और निकालने के बाद दोनों पॉइंट पर जीआर चेक कीजिए। इस वाले पॉइंट पे जीआर आएगा, इस वाले पॉइंट पे जीआर आएगा बैट थर्म का, और इस वाले पॉइंट पे आएगा वोल्टेज रेफरेंस थर्म का। मतलब ये बेसिकली वोल्टेज, इसका जो जीआर है, और इस पर जो जीआर आएगा वो आएगा बैट थर्म का। सो आइए चेक करते हैं ये दोनों जीआर पहले, फिर आपने आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल समझाने की बात करता हूँ, इसलिए प्रैक्टिकली एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, इस हैंडसेट में यहां दिखाई, ध्यान देना, देखिए सिर्फ चार्जर लगाया है, यहाँ पे कुछ चार्जिंग भी पॉइंट ले रहा है 0.2, और रीस्टार्ट कर रहा है क्योंकि चार्जर लगाया है। अब यहाँ पे दिखाइए मल्टीमीटर, देखिए वोल्टेज में डाला है, ठीक है। पहले ऊपर पॉइंट दिखाऊंगा कि कहां पर, तो इधर दिखाइए,
तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पर कितने वोल्ट आना चाहिए, 1.8 दूसरे रजिस्टर में, इधर दो रजिस्टर लग गए हैं, तो देखिए तो ये 1.8 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज रेफरेंस की लाइन से। तो यहां पर देखिए ये लग गया R1, ये है R2, R1 R2, तो R2 हो गया R1 क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है इससे, तो ये R2 हो गया। तो इधर से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलता है, तो वोल्टेज रेफरेंस की लाइन ओके है, मतलब PM यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बना रहा है। देखिए यहां दिखाइए, ये देखिए 1.8 वोल्टेज ऊपर दिखाइए, तो इसका मतलब कौन सी लाइन ओके, वोल्टेज रेफरेंस थर्म, वोल्टेज रेफरेंस थर्म मतलब आपको L11 से एक वोल्टेज आ रहा है 300-900 GR के साथ 1.8 वोल्टेज के साथ। तो अब यहां पर दिखाइए, अब देखिए मैंने इस मोबाइल को आपको पहले चालू करके दिखाया था कि इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब सपोज यहां पर दिखाइए, अब सपोज मान लो ये जो रजिस्टर है ये मैं निकाल देता हूं, ये देखिए ये रजिस्टर मैं निकाल देता हूं, ये देखो ये मैंने रजिस्टर निकाल दिया। आप ध्यान देंगे कि यहां पर रजिस्टर नहीं है। अब मैं इस पर ना जिया चेक करूंगा, पहले ध्यान देना, ये देखो अगर मैंने रजिस्टर निकाला तो दोनों ओर जीआर चाहिए, क्यों, एक जीआर किसका, वोल्टेज रेफरेंस थर्म, और एक जीआर किसका, बैट थर्म। सो देखिए हम डायोड मोड पे रखेंगे, मल्टीमीटर को यहां पर डायोड मोड पे करेंगे, सॉरी वापस करता हूं, ये इस मामले में थोड़ा लेजी है, ये डायोड मोड आ गया। अब देखिए पूल टेस्टिंग कर रहे हैं हम, तो मुझे मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको देखे अच्छे से। सो देखिए ठीक है, सो देखिए R1 लगा हुआ है, थोड़ा पास से दिखाइएगा, देखिए R1 लगा हुआ है, R2 निकला है, तो इसके दोनों वो पैड पे है, ये वही रेफरेंस की लाइन है और ये थर्म की लाइन है। सो मुझे IC से इन दोनों पे GR मिलना चाहिए। सो दिखाइए, ये देखिए पहले इधर, तो इधर वाले पॉइंट पर 1.8 वोल्टेज, तो ये है अपना वोल्टेज रेफरेंस। नीचे दिखाइए, देखिए आ रहा है GR, तो 520 स्टेबल GR है, तो ये क्यू, अगर IC निकाल दूंगा तो GR नहीं आएगा, अगर यहाँ पे GR नहीं आता तो IC बोले IC चेंज करनी पड़ती या पैडलाइन चेक करनी पड़ती। दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर जो GR आएगा वो दूसरा GR होगा, 520 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, देखिए सो ये 521 दिख रहा है यहां पर। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को चेक करूंगा तो ये दोनों आपस में बीप कभी नहीं मारेंगे, आपको लग रहा होगा दोनों एक है, तो दिखाई यहां पर देखिए, देखिए यहां पे डायोड मोड पे 00 होना चाहिए, पर यहां पे देखिए, तो इसका मतलब ये है एक रजिस्टर निकालने के बाद आपके ये मसला हो जाता है, ये मसला ठीक है कि एक रजिस्टर निकाल दो तो आपको दो लाइन पता चल जाती है। और ये अगर हम बात करें जियो के 220B में, अगर ये दो रजिस्टर आपको किसी भी एंड्रॉइड में मिलते हैं ना, तो आप इसको दूसरा रजिस्टर निकाल देना, तो आपको दोनों पे GR मिलने चाहिए सर, एक का GR वोल्टेज का, एक का GR IC का, IC मतलब कंट्रोल का। अब हम बात करते हैं इस रजिस्टर का, तो इस रजिस्टर को अगर आप निकालेंगे, सपोज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस रजिस्टर को आप निकालेंगे तो यहां पर OL आ जाएगा, और यहां पर जो GR होगा और प्लस वोल्टेज, यहां पे GR होगा कोई वोल्टेज नहीं होगा, ध्यान देना ठीक है। तो इसको मैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब देखिए फिर से पूरी चीज फिर से समझिए, मैंने क्या बोला, ये कोई रिपेयरिंग का वीडियो नहीं है, ये सीखने का लर्निंग का वीडियो है। देखिए तो ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये R2, ये R1, और ये ऐसा जुड़ा हुआ है ठीक है, ये लाइन आ रही है आपकी L11 से, और ये लाइन आ रही है इधर से, ये वाली लाइन आ रही है बैट थर्म, और ये वाली लाइन आ रही है बैट थर्म, इस वाली लाइन पे आ रहे हैं 1.8 वोल्टेज, और इस वाली लाइन पे आ रहे हैं GR, और ये आपस में बीप देगा। तो अगर यहां पर ये रजिस्टर निकाल देते हो तो इधर GR रहेगा, इधर
अगर सपोज ये रजिस्टर मिक्स हो जाता है तो इस सेट में क्या फॉल्ट आता है, अगर ये निकालेंगे तो आपको बीएसआई वाला एरर आएगा, मतलब आपको 50% आपका 50% बैटरी पे आ जाएगा, या इसको हम बोलेंगे फेक चार्जिंग, या हम इसको बोलेंगे कि बैटरी या चार्जिंग शो ना होना। नो चार्जिंग शो, देखो तीन आपको एरर मिल जाएंगे, एक 50% इसमें मिल जाएगा, एक फेक चार्जिंग, ठीक है, ये निकालते हैं तो बैटरी को किसी भी तरह से कोई भी जीआरओ वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर ये भी लगा होगा और ये भी लगा होगा तो इस बैटरी को प्रोबेबली रजिस्टर के होने पर इस बैटरी को यहां पर मिलने तो चाहिए 0.6, बेसिकली 0.6, क्योंकि ये रजिस्टर क्या करता है, इसको थोड़ा सा कम करके 1.8 से इसको 1.2 या प्रोबेबली 1.0 तक ले आता है, और फिर ये रजिस्टर इसको थोड़ा सा कम करके 6 पे ले आता है। पर कुछ कुछ, क्योंकि दोस्तों जियो इन्हें पगले सेट है, उसमें कुछ भी होता है, कभी भी कितने भी वोल्टेज आ जाते हैं, इसलिए तो आपको यहाँ पर ये भी वोल्टेज मिल सकता है और आपको यहाँ पर 1.7 वोल्टेज भी मिल सकता है। सो 1.7 कहाँ से मिलना है, बेसिकली यहां से, देखिए यहां से आइए तो ना, ये देखिए यहां से 1.7 गया, यहां से ये 1.7, फिर एक रजिस्टर के हाई वैल्यू रजिस्टर से होते हुए इस पैड पे, जो कि इस पैड से थर्म की कंट्रोल लाइन गई, और अब थर्म की कंट्रोल लाइन को क्या मिल गया है, वोल्टेज। अब उसके साथ जैसी ये दोनों लाइन मिली तो उसके बाद ये इस पैड पे गया, और इस पैड से एक हाई वैल्यू एक 1K का रजिस्टर लगकर ये लाइन पर, अब आपको यहां पर जीआर भी मिल रहे हैं और वोल्टेज भी मिल रहे हैं। ध्यान देना, आपको जीआर भी मिल रहे हैं और वोल्टेज भी मिल रहे हैं। जीआर आपको मिलेंगे 300 से 1800 के बीच में, और वोल्टेज आपको मिलेंगे 0.6 से 1.7 वोल्टेज के बीच में। सो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी चार्जर लगाओ तो आपको ये दो चीजें मिलनी चाहिए। अगर आपको फॉल्ट आ रहा है, क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, अगर आपको टेम्परेचर का एरर नंबर 1 और नंबर 2 50%, नंबर 3 फेक चार्जिंग, नंबर 4 चार्जिंग शो, अगर आपको ये चार एरर आ रहे हैं, सो आपने करना क्या है, आपके बीएसआई यहां पर ध्यान दो, अभी मैं आईसी निकाल के भी दिखाता हूं। यहां पर आपने ये बीएसआई इस वाली लाइन से आपने क्या चेक करना है, जीआर क्या चेक करना है, वोल्टेज। जीआर आपको कितना मिलना चाहिए, 300 to 1800 और वोल्टेज आपको मिलना चाहिए चार्ज लगा के इतना, ठीक है। अब क्योंकि हमने वो रजिस्टर हटाया है तो प्रोबेबली हमको वोल्टेज तो नहीं मिलेगा, देखते हैं। देखिए देखिए, जैसे हमने चार्जर लगाया है, अब आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर चेक करता हूं तो मुझे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, दिखाइए, देखिए 1.8 वोल्टेज ऊपर दिखाइए। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, नोटिस कीजिए ऊपर दिखाइए, अब फिर से देखिए ऊपर ही देखिए, यहां पर देखिए वापस देखिए, देखिए 1.8, अब ऊपर दिखाइए, अब वापस देखिए, अब नोटिस करना। अब सबसे पहले चार्जर हटा दिया और जिया चेक करें, यहां दिखाइए, देखिए डायोड मोड, अब देखिए कूल टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, यहां नीचे दिखाइए कूल टेस्टिंग, ये देखिए ये आपका ग्राउंड कर दिया और ये आपको टच करेंगे यहाँ पर। अब दिखाइए ऊपर, देखिए यहाँ पर टच कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, जीआर चेक कर लो, वोल्टेज चेक कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर टच कर रहे हैं, देखो जीआर देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जीआर आपको नहीं आ रहा है, ये देखिए
तो नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब आपको अगर जीआरडी ना आ रहा हो, पहला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तब आप इस लाइन को चेक कीजिए कंटिन्यूटी करके कि जीआर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आर वन पहला रजिस्टर, नोटिस कीजिएगा। तो यहां पर देखिए, देखिए एक चेहरा मैंने यहां रखा हुआ है और डायोड मोड पे अगर मैं कंटिन्यूटी लेता हूं तो जीरो जीरो आएगा, देखिए आ रहा है जीरो जीरो, दिखाओ वहां दिखाइए, देखिए कनेक्ट है। अब एक चेहरा, क्योंकि यहां तक तो बीप आएगा नहीं, और ये रजिस्टर देखिए थोड़ा सा यहां पर हिला हुआ दिखाई दे रहा है, रजिस्टर से लगा नहीं है यहां पर, नोटिस कीजिएगा। और यहां पर देखिए, यहां पे जीआर आपको, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे जीआर देखूं तो इस पॉइंट पे जीआर आ रहा है, तो अगर ये रजिस्टर सही तरीके से लगा दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पहले रजिस्टर चेक कर लेता हूं कि ओपन है कि क्या है, हो सकता है रजिस्टर भी ओपन हो। तो देखिए रजिस्टर चेक करेंगे ओम्स मोड में, बहुत कैमरा बिल्कुल बहुत आराम से हिला, बहुत धीरे धीरे बहुत स्पीड में मत हिलाना, ये देखिए अब ऊपर जाएंगे, देखिए नीचे दिखाइए, देखिए 1K, देखो ऊपर दिखाइए, तो रजिस्टर सही है, थोड़ा सा अच्छे से लगा देते हैं उसको, तो देखिए रजिस्टर मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब हम वापस जीआर चेक करेंगे, और आप अगर सोच रहे हैं कि सर मैं जंपर मार सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, जंपर मारने से मोबाइल में कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आ जाएगा, पर ये समस्या फिर से आ जाएगी। अब यहां पर वापस स्कूल टेस्टिंग करूंगा, देखिए वापस स्कूल टेस्टिंग करेंगे, यहां पर देखिए डायोड मोड दिखाइए, देखिए डायोड मोड, अब यहां पर ऊपर दिखाइए, ठीक है साइड में बंद करो। तो चलिए अब हम रजिस्टर का रीडिंग देखो, अभी भी देखो ध्यान रखना, एक रजिस्टर गायब है, एक है, मतलब फॉल्ट क्या, आर वन है आर टू नहीं है, ध्यान रखना आर वन है आर टू नहीं है, फॉल्ट क्या आएगा, एक नंबर टेम्परेचर। अब R1 पे और या बैटरी कनेक्टर पे क्या वोल्टेज आएगा, नहीं ध्यान दो, पहले GR देख रहे हैं, सो बैटरी कनेक्टर पे वोल्ट GR आएगा पर वोल्टेज नहीं आएगा, देखिए। तो यहां पे कूल टेस्टिंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सो देखिए एक सिरा ग्राउंड पे ले लिया और एक सिरा यहां ले लिया, सो यहां पर देखो अभी भी जीआर आएगा, दिखाइए ये देखिए 1.6 ऊपर दिखाइए, देखिए क्यों आ रहा है ये देखिए, अगर मैं इसको फिर से बताऊं तो रीजन ये है, ये जो L10 की लाइन है ना, L10 की लाइन ये जुड़ी हुई है यहां से, इस रजिस्टर R1 से, और R1 जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर से, इसलिए जो यहां पर जीआर आ रहा है 500 वही यहां पर जीआर आ रहा है इस तरह से। अब ये जीआर यहां पे क्यों आ रहा है ये पूछना कमेंट पे, तो आंसर दूंगा, ध्यान देना। अब ये सही है, देखो यहां पे जीआर आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रिविजन कराना, मुझे नहीं लगता इतिहास में किसी ने रिवीजन भी करवाया होगा साथ में, देखिए यूट्यूब आर टू यूट्यूब पर रिवीजन पहली बार नई चीज, देखिए R1 L10 एक ही है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ये एक ही लाइन है, दो लाइन अलग से नहीं बनी है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने गलत बताया, ये सर समझाने के लिए ये एक ही लाइन है ना, और ये तो यहां पर कितने 1.8, यहां पर जीआर, यहां पर जीआर और यहां पर जीआर, अगर ये वन ये हट गया तो ये वोल्टेज आना यहां पर बंद हो जाएगा, तो ये हटा तो फिर किसका एरर, टेम्परेचर का, ये हटा
तो बीएसआई वाले तीनों एरर आ जाएंगे जो कि मैंने इससे पहले बताए थे। अब अगर मैं इसको सेट को ऑन करूं तो देखिए टेम्परेचर एरर रहेगा। देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, देखिए ध्यान देना, R1 लगा है, R2 नहीं लगा है, राइट। मतलब बैटरी थर्म की लाइन तो कनेक्टेड है पर उसको रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रहे। अब आप बोलेंगे सर बैड आईडी कहाँ है, तो भैया वीडियो पूरा देख, देखिए यहां पर। अब इस फोन में टेम्परेचर का एरर आएगा और टेम्परेचर का एरर आया तो फॉल्ट यही है, या तो ये रजिस्टर निकला हुआ है या तो ये दो लाइन का में से एक लाइन पे जीआर नहीं आ रहा है, या तो ये L10 की लाइन ओपन है या L11 की लाइन ओपन है, या दोनों लाइन पे जीआर आ रहा है पर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो ये वीडियो डेडिकेट है मेरे उन सारे भाइयों को जो बिल्कुल बेसिक पे काम करते हैं, जियो वियो पे काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं दिन भर का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें एसर टेलीकॉम से, और मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है नीचे ग्रुप में, ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना, फ्री सोल्यूशन देंगे एसर टेलीकॉम। ये देखो टेम्परेचर एरर आ गया, ध्यान देना टेम्परेचर एरर। अब देखो नीचे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ऊपर दिखाइए, ये देखो R1 लगा है, R2 नहीं लगा है। अगर मैं वोल्टेज की फिर से बात करूँ तो दिखाइए, ये देखिए यहाँ दिखाइए, ये देखो वोल्टेज पे किया मिली वोल्टेज, ये देखो अब यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, ये देखो 1.8 वोल्टेज आ रहा है। अब अगर यही चीज चार्जर लगा के चेक करूंगा, ध्यान देना चार्जर लगाऊंगा, पहले चार्जर लगा के ये देखिए चार्जर लगाया, अब वोल्टेज दिखा रहा हूँ, ध्यान देना चार्जर लगाया अब वोल्टेज दिखा रहा हूँ। तो देखो ये देखो 1.8 वोल्टेज, ऊपर दिखाइए, ये देखो इसके जस्ट बगल में रखा, तो देखो 0.6, जैसे कि आपको दिख रहे हैं 0.6, ठीक है जो 0.6। अब यहां पर तो ये जो 0.6 आ रहा है ये बैड टर्न की लाइन से आ रहा है और हमको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की लाइन को भी चाहिए। ये रजिस्टर ओपन रहा तो फॉल्ट आ जाएगा टेम्परेचर का, ये लाइन ओपन हो गई तो टेम्परेचर का, ये अगर लाइन ओपन हुई और यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है इसका तो भी टेम्परेचर का आएगा, और ये लाइन का ओपन हुआ तो बीएसआई का। चलो देखते हैं इसको, अब समझना ये बात को। अब हम यहां पर ये रजिस्टर लगा देंगे बट अभी हम इसका पावर आईसी उतारते हैं और ये चेक करते हैं कि वाकई में L10 और L11 से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी पावर आईसी उतारते हैं। तो देखिए और हाँ मैं दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे जैसा आईसी उतार के लगाऊं ये नहीं करूंगा कि लगाऊंगा ही नहीं और दैट साइड है, ये चालू सेट है, चालू सेट में इसको आईसी लगा के इसको चालू करके फिर से ओके करके देंगे, ठीक है। सिर्फ निकालने लगाने हम अपने स्टूडेंट से, क्यों साहेब सर जी तुम अपने स्टूडेंट से आईसी निकलवा के लगवा देते हो या चालू भी करवाते हो? सर चालू भी करवाते हैं जब मानते हैं कि हाँ चालू हो, मतलब आपने आईसी लगा ली। और सिर्फ ये छोटी आईसी निकलवाते हो कि सीपीयू बड़ा सीपीयू भी लगवाओ? चौथे दिन 4G सीपीयू, अगर नहीं लगे तो पैसा वापस, गो टू पवेलियन। वो भी एक बार धोखेधड़ी से या दो या तीन बार? तुक्के वाला काम नहीं कि एक बार लगा दिया गलती से लग गया हो गया काम खत्म है ना, कम से कम 4-6 बार लगाता है वो, और कोई सी आईसी बचती नहीं है। बात करे सीपीयू की, बात करे मेमसी की, बात करे पावर की, सारी आईसी निकलता है। तो देखिए ये इसका वर्जन 002 है, तो ये हमने निकाल दिया आईसी। अब थोड़ा सा बॉल साफ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद
देखिए मैं जो सोल्डिंग आयरन यूज कर रहा हूँ, दिखाइए सर कौन सा है। जो सोल्डिंग आयरन है आप देख सकते हैं ये जेबीसी का है, जेबीसी का। और गलती से अगर आपने जेबीसी यूज कर लिया दूसरा आयरन चला नहीं पाओगे। और जेबीसी में फायदा ये है कि आप बेल्ट, इसमें जरूरी नहीं है कि जेबीसी की यूज करो। और आप ये गुडविक देख रहे हैं, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा गुडविक वाला, है ना। ये सर की फ्रेंडशिप है चाइना में, वहाँ से उन्होंने एक बॉक्स पहुँचाया सर के लिए, देखो सर के लिए बॉक्स पहुँचाया। ये आप ढूंढेंगे भी तो कहीं नहीं मिलेगा, दूर से देखो मुझे भी। ये कहीं पे भी आप ढूंढोगे तो गलती से नहीं मिलेगा आपको, और मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है आजकल हर लोग, पर बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं है, वो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूट हैं जो 8-9-10 हज़ार रुपये पढ़ा रहे हैं, वो तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि वो कीपैड से अभी तक उठे ही नहीं है ऊपर। तो चलिए, देखिए हमारी आईसी क्लीन हो गई है, अब हम इसको ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग का पॉइंट समझिए, इधर दिखाइए, देखिए बी मोड पे कर रहा हूं, ये देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी मैंने पावर उठा दिया है, तो अगर मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ध्यान इधर दिखाओ, डायोड मोड, जैसे मैंने बताया थोड़ा लेजी है इसमें, ये देखिए। अब देखो डायोड मोड पर रीडिंग दिखा रहा हूँ सब लोगों को, देखिए तो अब कोई भी जीआर नहीं आएगा। देखो नीचे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, ये देखो इधर भी जीआर नहीं आएगा, नीचे दिखाओ, ठीक है मुझे दिखाओ। सो रीजन क्यों, क्योंकि जीआर आईसी का देने का काम आईसी का है, तो आईसी नहीं है तो जीआर कहां से आएगा। सो अब यहां से हमें कितना है L10, सो ये हमारा ए है, इधर दिखाइए, ये हमारा ए है, तो ए है ये हमारा, तो ये है A1, ये है हमारा ए, बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल, ये एल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट ध्यान दो, इधर थोड़ा जूम करो, ये मेरा बैक टर्म का है, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज का है। तो ये दो पॉइंट पे हम देखेंगे, तो ये पैड लाइन है। सो देखो सबसे पहले मैंने बैक टर्म पे रेफरेंस वोल्टेज पर रखा, और ये मेरे को आना चाहिए L11 पर। देखो तो पहला मैं यहां पर रख रहा हूं, ये देखिए, और इसको ग्राउंड पे रख के दिखा रहा हूं, देखो तो बीप आ रहा है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये इसे कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड से। अब यहां पर रखूंगा तो यहां पर ध्यान देना ये कनेक्ट होगा, ये L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 नंबर के साथ बीप देनी चाहिए। तो इधर दिखाइए बीप पर, और मैं साया सर को बोलूंगा थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि मैं भी आ सकूं, ये देखिए। तो यहां पर हमने यहां कनेक्ट किया, अब यहां से गिनेंगे वापस L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो ये बीप आ रही है ना। और यहां से देखो, यहां से जो दूसरा है थर्म की लाइन, यहां से टच करेंगे और यहां पे देखेंगे तो ये 12 नंबर है, ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये मेरा 10 होना चाहिए L10, ये देखो। सो L ना, ये L10 हो गया, ये L11 हो गया, ये देखो। तो अब हम आईसी भी लगाएंगे, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि बैड आईडी का क्या मसला है। मेरे भाई यहाँ पे बैड थर्म से ही आईडी की लाइन को यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बैड टर्म से आईडी की लाइन को कंट्रोल किया जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं L12 में बैड आईडी की लाइन है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक हाई वैल्यू रजिस्टर को इन्होंने ग्राउंड किया, और ये एनसी नहीं है, दिया हुआ है, ये तकरीबन 100K का मिलेगा आपको। और ये बेसिकली पुल डाउन रजिस्टर है, और आपको पता होना चाहिए पुल डाउन रजिस्टर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वैल्यू,
और आई होप कि जो भी समझदार है इंजीनियर या फिर किसी भी लेवल पे, तो ये समझ जाएगा कि ये पुल डाउन क्यों किए जाते हैं। बाकी नॉर्मल गेले वेले तो नहीं समझने वाले बट, और आप बोलेंगे सर आपने हमें क्यों नहीं समझाया, तो मेरे भाई हर चीज एक वीडियो में नहीं है, वीडियो को आप हर वीडियो में देखिए, इसको मैं अलग बताऊंगा कि रजिस्टर को पुल डाउन क्यों किया है। सो आप ये समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक बैट आईडी की लाइन पुल डाउन की है, ये आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक देखो इसी को चेक करते हैं बी मोड पे, तो ये L12 है, ये देखिए, और इसका दूसरा सिरा ग्राउंड होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये देखने के लिए कि अगर ये मान लीजिए रजिस्टर हम हटा भी देते हैं तो क्या फॉल्ट आता है, तो वैसे हमने रजिस्टर हटाया तो वैसे कुछ फॉल्ट तो नहीं आया, पर ये नहीं कहेंगे कि फॉल्ट नहीं आया, हो सकता है इनकेस आगे जाके 50% का एरर आ जाए, फेक चार्जिंग भी बन सकती है, ठीक है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पुल डाउन का ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और ये बैट आईडी की लाइन है। अगर आप देखो जियो का डायग्राम तो नहीं है, पर यहाँ पर हमने ये देखे, यहाँ पर थोड़ा इस साइड थोड़ा जूम कीजिए, इतने 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 भाग में, हाँ, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 8909, देखो ये आईसी है 8909, यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो PM8909, ठीक है। वर्जन भी मैच करना होता है क्योंकि वर्जन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो वर्जन तो फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा, आप नोटिस करोगे यहाँ पर, ये देखिए, सो बैट आईडी L12, बैट थर्म L10 और वोल्टेज रेफरेंस बैट थर्म L11, जो कि लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बैट थर्म की लाइन पे आप देखिए, तो बैट थर्म, हालांकि इस मोबाइल में ये NC दिया हुआ है, बैट थर्म कनेक्शन को डायरेक्ट डाला गया है, यहाँ पे आप देखिए NC दिया हुआ है, दोनों NC है, बट अगर आप उसको किसी तीसरे डायग्राम में आप इसको समझते हैं, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, तो अगर आप इसको किसी तीसरे डायग्राम में समझते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बैट थर्म L10 L12। अब देखिए जो बैट थर्म की लाइन है वोल्टेज रेफरेंस, वो लाइन आपको तो यहाँ पे देखने में को मिल रही है, इसके साथ देखिए बैट थर्म की लाइन, देखिए बैट थर्म की लाइन यहाँ पर, ये देखिए एक रजिस्टर के साथ और उसके साथ फिर वोल्टेज रेफरेंस, ये देखिए यहाँ 0 ओम्स का लगा है, हालांकि यहाँ पे ये रजिस्टर नहीं होते, डायरेक्ट एक रजिस्टर के थ्रू गए हैं, ये दो रजिस्टर यहाँ पे एक हाई वैल्यू का लगा होता है, फिर एक हाई वैल्यू का, उसके बाद में बैटरी कनेक्टर बचाते हैं। और बैटरी बैट आईडी की अगर हम बात करें, सो नोटिस कीजिए बैट आईडी की लाइन यहाँ पर देखिए, और ये देखिए बैट आईडी की लाइन जैसे कि आप देखा है एक रजिस्टर के थ्रू पुल डाउन की गई है। सो दोस्तों ये सारी चीज कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने बोला यूट्यूब के सारे रिपेयरिंग नहीं सीखी जा सकती, समझी जा सकती, सीखी नहीं जा सकती, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल होता तो ऊपर ऊपर से एक लाइन बना देता, आपको लगता वाह सर मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, पर यार वो मजा क्या मजा जब आप ऊपर ऊपर से सीख रहे हो। नॉलेज वो होता है जिसको हर चीज पता हो, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये देखो आप बोलेंगे तो मैं पूरी आईसी को स्ट्रक्चर बता सकता हूँ ये क्या काम करता है, ये हर एक पैड की फोन आएगा ना तो बिना बने जाएगा नहीं, ये बात गारंटी देता है इस अटेली को।
आई होप कि आपने इसका मूवमेंट देखा हो। टच हमेशा सेंटर से देना चाहिए छोटी आईसीयू में, बड़ी में भी, क्योंकि अगर आप कॉर्नर से देंगे तो हिल सकती है। ना देखा कॉर्नर से नहीं, सेंटर से देना चाहिए। ये एरर देगा तो इसको यहाँ पे जीआर, सबसे पहले मैं जीआर चेक करूंगा कि मुझे जीआर आया कि नहीं आया। दिखाइए यहाँ पर, देखिए डायोड मोड यूज करूंगा। अब यहाँ पर दिखाइए ऊपर, देखिए यहाँ दिखाइए, देखिए नीचे दिखाइए, वेरी गुड, वापस ऊपर। अब देखिए साइड में इधर भी अलग जीआर, देखिए नीचे दिखाइए। तो इसका मतलब है हमारा ये लग गया है। अब यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा देते हैं इसमें। तो ये रजिस्टर तो हमारे को फॉल्ट आ सकता है, ये देखिए। तो हम ये रजिस्टर निकाल के इधर दिखाइए नीचे, अब बिल्कुल नीचे रखिएगा नहीं तो लोगों को लगेगा कि नीचे से हम मोबाइल चेंज कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने अभी पावर आईसी लगाया, देखो ऊपर दिखाओ, देखो ठीक है। और अब ये रजिस्टर निकाल देते हैं, नीचे दिखा दो और कुछ कुछ देर ऊपर दिखा दो। नीचे दिखाओ, टीजर कहाँ रख दिया, यहाँ कैसे रख दिया टीजर, दिखाओ नीचे, दिखाओ नीचे भी करो, जूम करो बिल्कुल इन दो पर। तो देखिए हमने यहां से रजिस्टर निकाला, अब ऊपर दिखाइए, हमने अपनी पीसीबी पर रजिस्टर लगाएंगे। पेस्ट भी शायद अच्छा नहीं है यार, सूट जाता बहुत जल्दी। वो मैंने रियल लाइफ वाला दिया था ना, वो आपने भी शायद देख में रखा हुआ है। तो देखिए रजिस्टर भी लग गया है, मैं आपको बता सकता हूं जिस तरीके से मैं कंपोनेंट सिखाऊंगा हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो तरीका वो यूज कर रहे हैं, ये दावा करता हूं दो दिन में। और अगर दो दिन में ही नहीं लगा ना आपको तो बिल्कुल चले जाना उठ के, पूरी फीस दे दूंगा मैं वापस। पर चौथे दिन में सीपीयू लगा के जाना। तो ठीक है,
अब एक बार चार्जर लगा के पहले सारे वोल्टेज चेक करेंगे, फिर उसके बाद में ऑन करेंगे। तो दिखाइए यहां पर, देखिए वोल्टेज पर डाला है, ऊपर दिखाइए, देखिए डायरेक्ट यहां पे चेक करेंगे बीएसआई लाइन पे 1.8 या 0.6, जैसे कि मैंने बोला 0.6 या 1.8, देखिए दिखाइए यहां पर, देखिए 1.8, ठीक है, मतलब लाइन ओके है। अब फोन को ऑन करेंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ, यही फोन है जिसपे मैं काम कर रहा था, ये देखिए, देखिए ये पावर आईसी, देखिए ये रजिस्टर निकला हुआ था जिसपे मैं काम कर रहा था, और फिलहाल अभी मैंने ये रजिस्टर लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तो वो जो एरर था वो भी चला गया, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा है। और मोबाइल में दिखा देता हूँ ऊपर, दिखाइए, देखिए फोन भी मेरा वही है जो था, पावर आईसी निकाला, अभी देखो ये रजिस्टर, और यहाँ पर ये देखो ये कॉम्पोनेंट मैंने अभी लगाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिखा दो, ये देखो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि एक बार नहीं, मेरे ख्याल से कितनी बार रिपीट किया होगा, कम से कम चार ही बार है ना, तीन चार बार तो किया होगा ना, रिवीजन सही, रिवीजन सही, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार रिवीजन, वीडियो में भी रिवीजन, अपन ऐसा थंबनेल डाल सकते हैं यूट्यूब वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो विद रिवीजन, क्योंकि आजकल अक्सर लोग यही कर रहे हैं, बट ठीक है यार। तो यार PM8909 आईसी की डिटेलिंग, एक ऐसा सेट जिसका ना डायग्राम है ना कुछ है, डाटा सीट निकालो यार, और ये डाटा सीट चाहिए इसका 8909 का, तो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, और एक बार ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो हो गया कंप्लीट, और इस वीडियो को कैसा कहेंगे कमेंट पे डालिए, और इस वीडियो में और क्या नया नया देखना चाहते हैं, जियो की सीरीज है ये, सिर्फ जियो वाले भाइयों के लिए मैं पहले कर रहा हूँ, जो लोग जियो पे इंटरेस्टेड है वो वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?